मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। चिट्ठी में पता है क्या लिखा है? लीचेस्टन का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को कह रहा है कि आपके भ्रष्ट नेताओं का जो खाता हमारे बैंकों में है, इसको आप जल्दी बंद करा दो और वापस ले लो ये पैसा, नहीं तो हम इन बैंकों को बंद करने वाले हैं। अब प्रधानमंत्री की हालत खराब है, करें क्या? अगर लीचेस्टन की सरकार की माने और खाते जब्त करें तो उनकी सरकार जाती है, क्योंकि घूसखोर लुटेरे तो उनके आसपास भी बहुत है, और जो उनकी बात नहीं माने तो वो लीचेस्टन वाले सब खातों को सीज करके पैसे को ले लेंगे। वो चिट्ठी लीक हो गई अखबारों में, तो हमारे जैसे लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि स्विस बैंक के अलावा भी पैसा है बाहर के बैंकों में, वो कितना है? तो उसका अब तक जानकारी मिली है कि 35 लाख करोड़ और जमा है, माने 110 लाख करोड़ लूट का भारत का पैसा विदेशी बैंकों में है। रॉबर्ट क्लाइव ने 300 लाख करोड़ लूटा था आज के हिसाब से, हमारा 110 लाख करोड़ इन काले रॉबर्ट क्लाइवों ने लूट लिया पिछले 63 साल। अब ये धन जमा है और ऐसे ही देश लूटता रहेगा तो गरीबी ही आएगी। अब मैं और एक गहरी बात कहने जा रहा हूं आपसे, अंग्रेजों ने भारत में लूट करने के लिए एक सिस्टम बनाया था, क्योंकि गुलामी जो आई थी ना वो एक सिस्टम से आई थी, और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी। सिस्टमेटिक लूट हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है हाफेजार्डली, सिस्टमेटिक लूट हुई है। इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया, सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया, टोल टैक्स का बनाया, रोड टैक्स का बनाया, ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए। दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में। और एक बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था सन 1860 में, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको वो कहते थे कलेक्टर। कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे, अंग्रेजी का शब्द है ना COLLECT, कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या धन? किससे? भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर, और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजादी के 63 साल के बाद वही अधिकारी अब DM के नाम से पहचाना जाता है, और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है, कुछ बदला थोड़ी है हमने। कानून भी वही है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो लूटने वाला कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से। आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं, ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज इनको तनख्वाह नहीं देते थे, उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था, इसलिए कमिश्नर बनाया। 5 कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था, फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था, पूरा सिस्टम खड़ा किया। कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था, तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए, अगर वही तंत्र आजादी के 63 साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ, आजादी के 63 साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा। यह हमारे देश की मजबूरी है या कम नसीबी है,
या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही। अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे, एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी को लेकर, और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले इसके लिए ये है। वही आईपीसी सीआरपीसी सीपीसी अब चल रहा जो अंग्रेज बना के गए थे। दूसरे कुछ सहयोगी सिस्टम उन्होंने खड़े किए, एजुकेशन सिस्टम बनाया। मैकॉले कहा करता था कि भारत में हमको क्लर्क चाहिए जो अंग्रेज और भारतवासी दोनों के बीच में एजेंट के रूप से स्थापित हो। बहुत होशियार नहीं चाहिए, बहुत तेज नहीं चाहिए, बहुत स्मार्ट नहीं चाहिए, बाबू चाहिए, क्लर्क चाहिए जो इस लूट के सिस्टम को चलाए। उसके लिए शिक्षा लाई उसने, वही क्लर्क बनाने वाली शिक्षा आज तक हम इस देश में ढोते चले आ रहे हैं। इंडियन एजुकेशन एक्ट के नाम पे चल रही है मैकॉले शिक्षा। अंग्रेजों ने उस लूट की व्यवस्था को पक्का करने के लिए पुलिस बनाई थी। 1860 में पुलिस एक्ट लाया उन्होंने जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। वो पुलिस एक्ट आजादी के 63 साल के बाद भी चल रहा है। अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं, लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं 63 साल से, हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं। लूट करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम, वो नए नए लुटेरे पैदा हो रहे हैं। व्यवस्था नहीं बदली हमने, व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला। कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई वो कार हमने नहीं बदली, कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले 63 साल। एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया, दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया, फिर राजीव गांधी को बिठा दिया, फिर नरसिम्हा राव को बिठा दिया, फिर मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे। कार वही चल रही है अंग्रेजों के जमाने वाली, ड्राइवर बदल रहे हैं, तो होने वाला क्या है। माने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाएं, लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे। आप कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो, अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा, नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको।